brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य पूरी तरीके से अब चुनावी मोड में आ चुकी है। बीते दो दिनों से छपरा में उनका रोड शो जारी है। जगह जगह आरजेडी कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ता फूलों की बरसात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बुलडोजर पर चढ़कर रोहिणी आचार्य पर आरजेडी कार्यकर्ता फूल बरसा रहे हैं। इस दौरान रोहिणी भी गाड़ी से निकलकर समर्थकों का जगह जगह स्वागत कर रही है। कुल मिलाकर इस बार का चुनावी मुकाबला छपरा में बेहद दिलचस्प हो चला है। रोहिणी आचार्य की पॉलिटिकल एंट्री इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि छपरा के चुनावी मुकाबले में देखना दिलचस्प होगा कि राजीव प्रताप रूड़ी को रोहिणी आचार्य किस तरह से चुनौती दे पाती है। राजीव प्रताप रूड़ी के लिए रोहिणी आचार्य कितनी मुश्किलें खड़ी कर पाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी भी मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी। इन सब के बीच पहली बार चुनावी मैदान में रोहिणी आचार्य के एंट्री ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। सवाल ये है कि आरजेडी कार्यकर्ताओं में उत्साह क्या वोट में तब्दील हो पाएगा, और लंबे समय से छपरा की राजनीति से दूर आरजेडी और लालू परिवार एक बार फिर से लालटेन जलाने में छपरा में सफल हो पाएगा। छपरा से आलोक जायसवाल की रिपोर्ट, बिहार तक।